महाराष्ट्र कर्नाटक में क्यों छिड़ी जंग? क्या है सीमा विवाद का पूरा मामला? कैसे पकड़ा मामले ने तूल? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बुम्बई के बयान के खिलाफ प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे ने भी बुम्बई के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि वो राज्य की एक इंच जमीन नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान की भी निंदा की है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ गांव को कर्नाटक में शामिल किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि ये वो गांव हैं जो कर्नाटक राज्य से जुड़े हैं, जहां किसानों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बुम्बई की टिप्पणी की आलोचना की थी। ठाकरे ने शिंदे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा था, क्या हमने अपना साहस खो दिया है? क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री आसानी से महाराष्ट्र के गांव पर दावा कर रहे हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक इंच जमीन भी हम कहीं जाने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा, 40 गांव की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बुम्बई के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में प्रदर्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पुणे में मराठा महासंघ ने सीएम बुम्बई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक की बसों को पेंट कर दिया। गौर हो कि इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बुम्बई ने कहा था कि सीमा रेखा महाराष्ट्र में राजनीतिक उपकरण यानी पॉलिटिकल टूल बन गई है और सत्ता में रहने के लिए कोई भी पार्टी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे को उठाएगी। बुम्बई ने कहा था कि मेरी सरकार कर्नाटक की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और उसने कदम भी उठाए हैं। बुम्बई ने दावा किया था कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांव ने कर्नाटक के साथ विलय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है। ये गांव पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने इन दावों का खंडन किया और कहा कि ऐसे किसी गांव ने हाल के दिनों में कर्नाटक के साथ विलय की मांग नहीं की है। गौरतलब है कि इस विवाद को लेकर उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कर्नाटक में नहीं जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बेलगांव, करवार, निपानी समेत मराठी भाषी गांव को पाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।